इसका सॉल्यूशन है एग्जेक्शन। इतना बड़ा इंजेक्शन? अरे अरे पर पकड़ो। अरे खत्म हो गया, मम्मी से और मंगा लेती हूँ। मम्मा और चिप्स दे दो। काव्या, डॉक्टर अंकल को बुलाऊं क्या इंजेक्शन लगवाने के लिए? तुम बच्चों को इतना जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वरना इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे जंक फूड खाने से कोई नहीं रोक सकता। देख लूंगी इंजेक्शन को, अभी आती हूँ। The next day. बच्चे तुझे इतनी बार बोला है ना जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अब डॉक्टर अंकल को बुलाओ इंजेक्शन लगवाने के लिए। डॉक्टर डॉक्टर अंकल को इंजेक्शन लगवाने के लिए? मुझे नहीं डर लगता डॉक्टर इंजेक्शन से। अच्छा बताओ मैं तुझे अभी। अरे फिर बच गई ये, नहीं मानेगी अगर ये जंक फूड खाने से, तो इंजेक्शन तो इसका लगवाना ही पड़ेगा। The next day. ये बच्ची तो जंक फूड खाए बिना मानेगी नहीं, ज्यादा जंक फूड खाएगी तो तबीयत खराब कर लेगी, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसका सारा जंक फूड छुपा देती हूँ। कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ? आइडिया। अब इसका जंक फूड मैंने छुपा दिया, अब देखती हूँ काव्य कैसे खाती है जंक फूड। A few moments later. क्या करूँ? बता दी मम्मा ने कहाँ छुपा दिए जंक फूड, मैंने हर जगह देख ली, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है जंक फूड, और मुझे लग रही है भूख। क्या करूँ? आइडिया। फ्रेंड्स ये देखो फोन, अब मैं करती हूँ ऑर्डर। हो गया ऑर्डर, अब मैं खाऊंगी जंक फूड, कोई नहीं रोक सकता मैं जंक फूड खाने से। लगता आ गया, अब मैं खाऊंगी बहुत सारे जंक फूड और चिप्स। चलो बाय बाय। The next day. मैंने कर लिया था बैक पैक, मैंने चिप्स रख लिए, वो ब्लू वाले चिप्स रख लिए। हाँ अब मैं चलती हूँ पार्क। पेट में दर्द हो रहा है मम्मी। आउच मम्मी। अरे क्या हुआ? मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। काव्या ज्यादा ना एक्टिंग मत करो, कोई जंक फूड नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। मम्मा सच्ची बोल रहा है। काव्या ये अपने सारे ड्रामे बंद करो, कोई जंक फूड नहीं मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, ये सब जंक फूड खाने के लिए हो रहा है ना। नहीं मम्मा मैं नाटक नहीं कर रही, सच्ची में दर्द हो रहा है। मैं ना डॉक्टर अंकल को बुलाऊंगी वरना फोन कर कर। हाँ मम्मा बुला लो डॉक्टर अंकल को। क्या डॉक्टर को भी बुलाने के लिए बोल रही है? इसका मतलब इसके पेट में सही में दर्द हो रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, काव्या के ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप आ जाइए। एक काम करती हूँ इंजेक्शन के लिए भी बोल देती हूँ, क्या पता उससे सच बोल दे ये। डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन भी ले आइएगा। हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब, आ रहे हैं डॉक्टर अभी। तुम सही बताओ तुमने जंक फूड तो नहीं खाया था? नहीं मम्मा। A few moments later. अरे क्या हो गया काव्या को? डॉक्टर देखिए ना इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तो काव्या तुमने क्या जंक फूड खाया था? नहीं। कुछ तो खाया होगा जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। नहीं। अच्छा मैं चेक करता हूँ। हाँ देखिए उस समय से रोए जा रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा ये कह रही है इसने कुछ नहीं खाया था,
बट मुझे तो इसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीजें दिख रही हैं। पक्का खाई होगी इसने। तो अब तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, दिखाता हूँ अभी। इसका सॉल्यूशन है इंजेक्शन। बड़ा इंजेक्शन? अरे अरे पर पकड़ो पकड़ो, रुक 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 रुक, अरे इंजेक्शन लगेगा, अरे रुक 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 रुक, मिल गई। अरे डॉक्टर मैं नहीं, पेशेंट वो है। रुक रुक रुक, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, ये सब किधर गई, ये रही ये रही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लग गया इंजेक्शन। आप समझ में आया क्यों मना करते हैं जंक फूड खाने से? हाँ, मुझे अब समझ में आ गया क्यों मना करते हैं। ज्यादा जंक फूड खाओगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा डॉक्टर का। अब मुझे समझ में आ गया। और काव्या, हमें इतना जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए। हेल्दी फूड पहले, जंक फूड बाद में, और गुड हैबिट्स अभी से लर्न करोगे तो आगे कभी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब से मैं जंक फूड कम खाऊंगी। ओके, तो इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या मॉरल मिला आपको आज की वीडियो से, कि हमें ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए? ज्यादा जंक फूड खाने से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और बड़ा वाला इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को करो लाइक शेयर और इस चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।